नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट सब्जेक्ट पर। मैं बात करना चाहूँगा अपने अनुभव की आपसे शौक के बारे में, शौक यानी हॉबीज़ के बारे में। हर इंसान में, हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई गुण इनबिल्ट होता है, जिसे हम नैसर्गिक गुण कहते हैं। अक्सर ये होता है कि जीवन की प्रायोरिटीज़ की वजह से, जीवन के संघर्ष की वजह से या और कई कारणों से इंसान अपनी उस हॉबी को, अपने उस शौक़ को कैरी नहीं कर पाता और वो वक्त की जो धूल भरी सतह है उसके नीचे दब जाता है। लेकिन वो शौक़, वो हॉबी कभी मरती नहीं है। हर इंसान इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वो अपने कैरियर के साथ साथ अपनी हॉबी को या अपने शौक को भी कैरी कर सके। यहाँ पर दो बातें हैं, एक होता है इंसान का प्रोफेशन या कैरियर। आप बिजनेस में हो सकते हैं, आप जॉब में हो सकते हैं, आप कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, और एक होता है आदमी का शौक। ज़रूरी नहीं कि आपका शौक आपके प्रोफेशन से मेल खाता हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि अपने कैरियर के अलावा कुछ ना कुछ वक्त ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए कि इंसान अपने शौक़ को, अच्छे शौक़ को, अच्छे किसी हैबिट को बरकरार रख सके और उसे एन्जॉय कर सके। अधिकांश लोग इस दुनिया में अपने पेशे को, अपने कैरियर को ढोते ढोते या वक्त की वजह से वो अपने उस टैलेंट को लगभग भूल जाते हैं। लेकिन अगर बरसों के बाद, बहुत बरसों के बाद भी जो समय की धूल भरी परत जम गई है उसको आप हटा कर देखें तो आप पाएंगे कि वो शौक मरा नहीं है, वो वैसा ही ज़िंदा होता है और वैसा ही ताज़ा लगता है। काफ़ी लोगों को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहां वो अपने टैलेंट को एग्जिबिट कर सके। मैं बात कर रहा हूं अपने अनुभव की, क्वालिफिकेशन से और प्रोफेशन से, दोनों से मैं एक इंजीनियर हूं और रहा हूं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और जॉब या प्रोफेशन वो मेरा कैरियर है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे शौक रहा अच्छा लिखने का, पढ़ने का और अच्छा संगीत सुनने का और अच्छा संगीत गाने का एज ए हॉबी। और मैंने उसको एंजॉय भी किया लेट। बरसों के बाद भी जब मैंने देखा तो मेरा वो शौक मरा नहीं था। लिखना पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और म्यूजिक को एंजॉय करना भी अच्छा लगता है। पुस्तकें और संगीत इंसान के दो ऐसे साथी हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। आपको किसी दूसरे मित्र की या किसी दूसरी ऐसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है अगर आप में ये दो गुण हैं तो। ख़ास तौर पर संगीत के बारे में कहा जाता है कि संगीत की कोई सीमाएं नहीं होती। संगीत ही एक ऐसी भाषा है जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं है, बिना शब्दों के भी वो आपको आसमान में और आसमान से किसी और लोक में,
आपको ख्यालों की ऐसी उड़ान और कल्पना में ले जाता है कि आप भाव विभोर हो जाते हैं। अभी मुझसे किसी ने पूछा कि आप तो बाथरूम सिंगर थे, आपने गाना शुरू किया है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं ख़ास तौर पे बात करूंगा कि अभी मैंने एक प्लेटफॉर्म को डिस्कवर किया, ज़ेन म्यूज़िक। उन लोगों ने ये लॉन्च किया है कि जो लोग नॉन प्रोफेशनल हैं, एज ए हॉबी, जो म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं और उनको लगता है कि वो गा सकते हैं, गा के उन्हें खुशी मिलती है, तो उन्होंने ये ज़ेन म्यूज़िक के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें किसी भी नॉन प्रोफेशनल को गाने का मौका है। अगर आप गाना गाना चाहते हैं, इस शौक़ को पूरा करना चाहते हैं, तो आप ज़ेन म्यूज़िक को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपकी कोई भी वीडियो जो आप उन्हें भेजेंगे और आपको लगता है कि आप में गुण है, तो वो आपको प्लेटफॉर्म देंगे, वो आपको प्रमोट करेंगे, आपके टैलेंट को दुनिया के सामने एग्जिबिट करेंगे। हो सकता है आपका दबा हुआ शौक पूरा हो जाए और आपको अच्छा लगे। तो आज आपसे ये बात शेयर करने का सिर्फ इतना मतलब था कि अगर आप में कोई शौक है तो आप उस शौक को एग्जिबिट कीजिए। आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको खुद को अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप दुनिया से प्यार करना चाहते हैं या दुनिया को अच्छा देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तभी आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे, दूसरों को अच्छा समझ पाएंगे, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे, आप इस यूनिवर्स से प्यार कर पाएंगे। बट डोंट रिजेक्ट योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ। तो अभी आज की बात बस सिर्फ इतना ही। आप कोशिश कीजिए, अपनी हॉबी को किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एग्जिबिट कीजिए, और हो सके तो फिर अपने अनुभव को मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।